पीस कमेटी भी हमारी एक्टिव है और लगातार हमारी टीम सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट कोई डालता है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और समाज में एक भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे। अतीक अहमद की हत्या के बाद जहां पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस हाई अलर्ट पर है, वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हुए हरियाणा के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई उपद्रवी तत्व भड़काऊ भाषण की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल न कर सके। इसके लिए जिले के कप्तानों द्वारा पुलिस चौकी, पुलिस थाना व क्राइम स्टाफ को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए। साथ ही साइबर पुलिस को भी सोशल मीडिया की पोस्टों पर पैनी नजर रखने के लिए हिदायत जारी की गई है ताकि कोई उपद्रवी तत्व भड़काऊ पोस्ट करके माहौल को खराब न कर सके और आपसी भाईचारा बना रहे। जो इस केस के बाद जो सेंसिटिविटी है उसके मद्देनजर हमने जो संबंधित थाना क्षेत्र के SHO हैं, चौकी इंचार्जेस हैं और DSP हैं, उनको सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। हमारी टीम्स लगातार जो मौजूद व्यक्ति हैं दोनों समाज के उनसे संपर्क में हैं। पीस कमेटी भी हमारी एक्टिव है और लगातार हमारी टीम सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट कोई डालता है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और समाज में एक भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे। बॉर्डर पे जो मैंने बताया कि हमारी जो संबंधित थाना क्षेत्र की टीमें हैं, हमारी CIA टीम्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, वो लगातार जो ग्रुप्स हैं हमारे और जो उनकी लोकल इंटेलिजेंस है उसके मद्देनज़र वो वहाँ पर इलेक्शन जो भी हमारे इंटेलिजेंस गैदर करके और वो उसके मुताबिक वहाँ पर सूचना एकत्र कर रहे हैं और साथ ही साथ वो हमारी जो टीम्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो पाए। अगर पलवल के SP लोकेंद्र सिंह की माने तो उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अरशद की हत्या के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करके दोनों समुदायों के आपसी प्रेम व भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है और ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और अमन शांति को कायम रखा जाएगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि दोनों समुदायों के आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास करने वाले कितने लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।